नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भगवत मेहरा। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज 57वें दिन भी आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। इस दौरान जिला अध्यक्षा सलिलता पवार ने कहा कि जब तक आंगनबाड़ी का मानदेय 18,000 रुपए नहीं हो जाता, हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को महिलाओं पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। इस कपकपाती सर्दी में भी महिलाएं सड़कों पर पड़ी हैं, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हड़ताल और धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। रिपोर्ट इंडिया 24 टीवी न्यूज। हाँ, जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दे चुके, मुख्यमंत्री को मैं खुद अपने हाथ से ज्ञापन देखाई थी जब सहारनपुर के अंदर आए थे योगी जी, और वे भी आश्वासन दे गए थे, हंसने लगे कि हाँ देखेंगे। लेकिन देखने के बजाय ये देखो कि आंगनवाड़ी शीत में, इतने शीत में सड़कों पर पड़ी हैं। एक आंगनवाड़ी हमारे बीच से एक्सपायर भी हो गई है 13 तारीख को, फिर भी योगी जी की आंख नहीं खुल रही है। उनको ये तरस नहीं आ रहा है कि हमारी बहन है, बेटियाँ हैं, हम इनको परेशान करके हमारी सत्ता कैसे चलेगी। हम जब सत्ता बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, बीएलओ में काम करते हैं, टीकाकरण में करते हैं, जनगणना में करते हैं, मकान गणना में करते हैं, पोषाहार देते हैं बच्चों को।